बताऊंगी कि क्यों मैं इससे दूर हूँ, वो सब मैं अभी आपको इस वीडियो में विद प्रूफ दिखाने वाली हूँ, कुछ मेल्स वगैरह आपके सामने डिस्क्लोज करूंगी ना। ये नौटंकी करती है इंसान। तो आज मैं बिल्कुल रैंडमली व्लॉग कर रही हूँ। मैंने सोचा नहीं था आज व्लॉग करने का, बट स्टिल मैं व्लॉग कर रही हूँ बिकॉज मैंने लास्ट वीक से फेक ही व्लॉग किया था, उसके लास्ट वीक भी मैंने से फेक व्लॉग किया था, तो मेरे व्लॉग की जो क्वान्टिटी है वो बहुत कम हो गई है। तो इसलिए मैंने सोचा आज मैं एक और व्लॉग करती हूँ। मैंने सोचा नहीं कि आज मैं क्या दिखाने वाली हूँ, क्या कुछ नया होने वाला है मेरे साथ, बट स्टिल आई थॉट कि चलो व्लॉग करते हैं। तो अभी तो सुबह हुई है, तो सुबह के जस्ट नॉर्मल काम हो रहे हैं। विक्की मेरे को शॉपिंग करके दे रहा है। आज मैं विक्स्ड वेज बनाने वाली हूँ क्योंकि सब्जियाँ सब कुछ है पर थोड़ी थोड़ी हैं, तो उन सबको मिला करके कोई एक सब्जी बना दूंगी मैं, और खाने में वो बनने वाला है। देन उसके बाद शायद से दाल बनेगी या नहीं बनेगी आई डोंट नो, क्योंकि रायता रखा हुआ है एंड रोटी बनाने वाले हैं। तो ये हम लोगों का खाना है एंड एक और चीज़ यहाँ पर एक बॉक्स रखा हुआ है। तो हम लोग जनरली जो वेजिटेबल्स हैं वो हम हमारे आसपास के एरिया से, जैसे हमारे कॉलोनी के एक नीचे ही ग्रॉसरी की शॉप है जिनसे हम लोग वेजिटेबल्स लेते थे, तो उनसे हम जनरली वेजिटेबल्स लेते थे। तो अभी हम लोगों ने विक्की को, एक्चुअली मेरे एक डांस क्लास की बच्ची आती है तो उसके पापा विक्की को मिले होंगे, तो उनसे पूछा, विक्की ने बात बात करी, तो उन्होंने हमको एक नंबर दिया था जो हमारी कॉलोनी में आते थे बट हमको पता नहीं था। तो वो क्या होता है, डेली सब्जियाँ नासिक से आती है तो फ्रेश वेजिटेबल्स होती हैं। अभी मुझे पता नहीं अंदर फ्रेश है कि कैसी है या कैसी क्वालिटी की होने वाली है, एंड काफ़ी अफोर्डेबल है। मतलब जो हम नीचे हम पे करते थे 800 या 900 रुपीज़ जितनी क्वांटिटी ऑफ वेजिटेबल्स का, उतना उसका हमने 400 पे किया है इतनी सब्जियों का। तो मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सस्ती है, एंड अभी देखते हैं कि क्वालिटी कैसी है, क्योंकि हम जिनके यहाँ से सब्जी लेते हैं वो महंगी भले ही देते हैं बट उनकी सब्जी हमको मतलब बहुत वेजीज एकदम फ्रेश रहती हैं और बहुत अच्छी क्वालिटी की रहती है, मतलब ख़राब नहीं होती है और उनको इतना देखना नहीं पड़ता है, कीड़े वीड़े नहीं होते, ये सब चीज़ें नहीं होती है, तो वैसा इसलिए हम लोग एक्स्ट्रा पे भी कर देते हैं उनको। बट अभी हमको ऐसा लग रहा है कि बहुत ज़्यादा महंगी हो रही है। तो ये नासिक से आया हुआ है, मतलब एक फॉर्म होता है जिसमें आपको प्रीपेड करना होता है और अपना एड्रेस एंड सब कुछ क्या रिक्वायरमेंट है आपको वो भरना होता है, एंड देन आपको वो पूरा बॉक्स आ जाएगा। अभी सुबह ही आया है तो अभी मैं पहले क्लीनिंग करूँगी, लाइक झाड़ू पोछा ये सब होगा, एंड देन उसके बाद इसको ओपन करके देखेंगे कि कैसी सब्जियाँ आई हैं, तो मैं आप लोगों के साथ शेयर ज़रूर करूँगी। सो यस, लेट्स जस्ट गेट स्टार्टेड विद द डे। बहुत अच्छी आई है एक्सेप्ट दिस फ्रेंच बीन्स, इसमें मुझे ऐसा लग रहा है जो वाइट वाइट मैंने दिखाया ना, ये कुछ वो है फंगस टाइप की लग चुकी है इसमें ऑलरेडी, तो हम लोग वो फोटो खींच करके ग्रुप में भेज रहे हैं जिसने भी आई है। बाकी सब कुछ बहुत अच्छा आया है, बहुत फ्रेश है, मतलब इतनी अच्छी शिमला मिर्ची हमको ना मॉल में ना शॉप में मिलती है। तो ये विक्की ने वेजिटेबल्स कट करके दी है और दो प्लेट खराब कर दी है। दो प्लेट नहीं खराब करी है, ये दो प्लेट्स में ही तो कट किया है और विथ चॉपिंग बोर्ड, क्योंकि ये नौटंकी करती है इंसान। अच्छा कि ये सब्जी इसमें कैसे मिक्स हो गई, वो सब्जी उसमें कैसे मिक्स हो गई, कुछ भी यार इतनी ओवर एक्टिंग मत किया करो सच में। ये सच्चाई है। पिछली बार जब मैंने एक ही थाली में सब्जी रख करके दी थी तब खाना बनने से पहले बवाल बना था। अच्छा, और यहाँ पर ये अभी कैबेज जो है वो बॉईल हो रहा है क्योंकि हम लोग इसको बॉईल करके खाते हैं, बाकी सब सब्जियाँ ऑलरेडी बॉईल्ड हैं, मतलब धुल चुकी है इन शॉर्ट। और यहाँ पर आटा जो है मैं वो बना के रख रही हूँ लोइयाँ, और विक्की बर्तन साफ कर रहा है।
done with the kitchen wala thing and now I'm all sweaty and chipchipa one. I'll go and take shower. Guys, so I took shower and uske baad hum logo ne lunch kar liya hai. And aaj maine pehna hua hai ye play suit aur jump suit. Aap isko kuch bhi bol sakte hain. Aur is hai ye maine liya tha Bali se. तो बाली वॉज माई फर्स्ट फॉरन ट्रिप और वो भी मैंने अपना शादी के बाद ही किया था. मतलब फर्स्ट फॉरन ट्रिप वो आप बोल सकते हो और फर्स्ट ट्रिप विक्की और हमारी टुगेदर है. तो हमारा फर्स्ट जो हम जहाँ पे भी गए थे वो बाली ही था. तो हम लोगों की वहाँ पे 10 डेज की ट्रिप थी. बाली से मैंने बहुत शॉपिंग करी थी, बहुत ज़्यादा शॉपिंग करी थी. मुझे तब इतना कुछ पता नहीं था और ना ही मैं तब बिल्कुल नई मतलब मेरी शादी हुई थी और उसके 3 दिन बाद ही हम निकल गए थे तो कोई डेकोरेशन का. लेकिन बाली में इतना ब्यूटीफुल होम डेकोर, बैम्बू की चीज़ें थी, मैक्रेम की चीज़ें थी, इतनी सुंदर चीज़ें थी. बट मैंने ना उस टाइम पर मेरे को पता है क्या चीज़ों का क्रेज़ होता था. तब घर वर का मुझे कोई क्रेज़ नहीं रहता था. मुझे मेकअप और मुझे कपड़े और मुझे अच्छे अच्छे ब्रांड्स, इन सब चीज़ों का तब बहुत ज़्यादा क्रेज़ था. तो मैंने ना अपने जो भी हमारे हमने बजट बना कर गए थे शॉपिंग का, उसमें मैंने एकदम फालतू की यूजलेस चीज़ें खरीदी. मतलब मैंने मैक वैक का ब्रश खरीदा, विक्टोरिया सीक्रेट्स के परफ्यूम खरीदे, जो कि मुझे अब रियलाइज़ होता है कि ये कोई यूज़ के नहीं है. पता नहीं हम बाली कब जाएंगे सेकेंड टाइम. अगर मैं कुछ अच्छी यूज़फुल और ऐसी चीज़ें रखती जो घर में रखती वो ज़्यादा अच्छा लगता. मतलब अब मुझे ऐसा लगता है कि मटेरियलिस्टिक चीज़ें जो हम लेकर के आए वो तो ख़त्म हो गई, एक परफ्यूम तो ख़त्म हो गया. तो ऐसा फर्स्ट ट्रिप में ऐसा था, बट ठीक है, नेवर माइंड. हे गाइस, तो अभी मेरा जो ये काम है ये मैंने बंद कर दिया है क्योंकि मुझे स्टार्टिंग वीडियो शूट करना है, इंट्रो होता है वो शूट करना है. एंड आई एम सुपर एक्साइटेड फॉर दिस वीडियो. अगर आप ये वाला मेरा ब्लॉग देख रहे हैं ना, आपने मेरा ये वाला DIY नहीं देखा है, देन डू चेक इट आउट. अभी मैंने ये वाला टॉप पहना हुआ है, नीचे मैं वही पहनी हुई हूँ जो मैं पहनी थी सुबह, उसके ऊपर मैंने टॉप पहन लिया है एंड थोड़ा सा मेकअप कर लिया है. तो मैं फटाक से बाहर जाती हूँ एंड बाहर जाने के बाद फिर आप लोगों से मिलती हूँ. एक्चुअली कुछ लोगों ने मेरे को वीडियो में कॉमेंट किया है कि आप थोड़े से चब्बी लग रहे हो, मतलब आपने वेट गेन किया है या वेट पुट ऑन किया है क्या. इट माइट पॉसिबल कि वेट मेरा पुट ऑन हुआ हो क्योंकि मेरी एक्सरसाइज उतनी नहीं हो रही है. मतलब शेड्यूल तो हमारा बिल्कुल ऊपर नीचे हो चुका है और बहुत एक्सरसाइज भी मैं नहीं कर रही हूँ. योगा भी मेरा बहुत कम हो गया है. एक वीक से तो मैंने हार्डली 2 दिन योगा किया है. तो मुझे भी ऐसा लग रहा है कि मेरा ये जो है ना ये वापस से थोड़ा सा भरा भरा सा चेहरा हो गया है. बट नेवर माइंड, उसमें कोई इतना इशू नहीं. और अभी घर पर हैं, सिर्फ सो रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, बैठ रहे हैं, तो चलता है. तो मैं बाहर जाती हूँ और बाहर जा कर के जो वीडियो है वो शूट करती हूँ और फिर आप लोगों से मिलती हूँ. तो मेरा जो शूट है वो डन हो चुका है. अब मैं फिर से वो वाला जो पार्ट है वो इसमें ऐड करके अगेन एडिटिंग करूँगी. मैं सिर्फ मस्कारा लगाती थी बट अब मैं फिर से लाइनर लगाने लग गई हूँ और काजल लगाने लग गई हूँ. हे गाइस, गुड मॉर्निंग. और अभी बज रहे हैं 10 या 10:30 के अराउंड हो रहा है टाइम. एंड मुझसे कुछ लोगों ने पूछा है, 2-3 लोगों ने मुझसे कमेंट सेक्शन में ये मैसेज करके पूछा है, कमेंट करा था कि आप वेजिटेबल्स को कैसे सैनिटाइज करते हो या कैसे उनको वॉश करते हो. तो कुछ नहीं करती हूँ मैं, नॉर्मल जो टैप वाटर होता है वो भरती हूँ. पहले तो वेजिटेबल्स 12 घंटे हमारे बाहर ही रखे रहते हैं, मतलब फ्रिज में मैं नहीं रखती हूँ, बाहर रखे रह देती हूँ. फिर उसके बाद पानी को फिल इन करती हूँ. उसके अंदर या तो आप बेकिंग सोडा डाल सकते हो या फिर आप विनेगर डाल सकते हो या फिर आप सॉल्ट डाल सकते हो. तो मैं यूजुअली सॉल्ट ऐड करती हूँ. मैं आपको दिखाती हूँ, वेजिटेबल्स हैं, इसके अंदर थोड़ा सा सॉल्ट ऐड करूंगी और 3 से 4 घंटे मिनिमम इनको रखना होता है. नहीं तो ज्यादा रखेंगे तो पानी भर जाता है इनके अंदर. तो 3 से 4 घंटे रख करके इनको ड्राई करती हूँ, पोंछती हूँ, मतलब एक कपड़े पे रख के, एंड देन फिर फ्रिज में रखती हूँ. तो लास्ट व्लॉग में जो मैंने डाला था उसमें लोगों ने चॉपर देखा एंड पीपल वर आस्किंग मी कि आपको ये कहाँ से मिल गया. तो एक्चुअली मेरे को काफी दिन से मिल गया था. मैं जब पहले चॉपिंग करती थी तो मुझे काफी लोगों ने सजेस्ट किया था कि आप ये इस तरह का चॉपर ले लो, ये अच्छा रहता है. एंड एक्चुअली मुझे बहुत अच्छा रहता है. मतलब अब मुझे विक्की के लिए वेट नहीं करना पड़ता क्योंकि अदरवाइज अनियन टमाटो ये सब चॉप करने में मेरे को टाइम भी बहुत लगता था. और अनियन अभी भी मैं चॉप करती हूँ तो मुझे आंसू बहुत ज्यादा आते हैं, बहुत ज्यादा मेरे को आंखों से पानी निकलने लगता है. तो ये फटाक से हो जाता है, आंखें जलती भी नहीं है और हो जाता है इजिली. तो मुझे काफ़ी हैंडी भी लगता है और फटाक से वॉश हो जाता है. एंड ये मेरे को 299 रुपीज़ में मिला था. तो ये बेसिकली हमारे घर के साइड में ग्रॉसरी शॉप है, वहाँ पर सारा इलेक्ट्रॉनिक्स जो मेन एसेंशियल्स में आता है, ये एसेंशियल्स में ही आता है एक्चुअली. तो ये वहाँ पर मिलने लग गया था और काफ़ी सस्ता मिल गया था 299. तो हमने जब हम लास्ट टाइम ग्रॉसरी शॉपिंग के लिए गए थे वहाँ पर तो हमने परचेस कर लिया था. एंड अभी आज मैं सिर्फ दाल चावल बना रही हूँ क्योंकि आज दही नहीं है. और दही जिस दिन नहीं होता है या रायता या फिर वो ठंडा वाला जो मैंगो शेक होता है, मैंगो जूस होता है, वो हम लोग कुछ ना कुछ खाने के साथ लेते हैं, ठंडा कुछ लेते हैं. क्योंकि अभी ह्यूमिडिटी हो रही है ना तो खाना खाने का ज़्यादा मन भी नहीं करता है. गर्मी में आपको ठंडा ठंडा जैसे क्यूकम्बर हो गया ऐसे कुछ ठंडा खाने का मन करता है, वॉटरी एंड ठंडा. तो इसलिए सिर्फ दाल चावल बनाए, काफ़ी दिनों से हमने खाए भी नहीं थे दाल चावल. तो आज हल्का फुल्का दाल चावल सुबह भी खाएंगे, शाम को भी खाएंगे. तो आज रोटी नहीं खाने वाले, स्किप करेंगे, कल फिर रोटी खाने वाले. तो ऐसे हमारा एक दिन ऐसा चलता रहता है.
कुछ बन चुका है, अब मैं शावर लेने जा रही हूँ। तो बेसिकली मैं अभी दिन में कुछ नहीं कर रही थी, मैं सिर्फ चिल मार रही थी और मैं दूसरों के वीडियोस देख रही थी। काफी दिनों से मैं सोच रही थी इस टॉपिक पे बात करने का। पहले मैं सोच रही थी करूंगी, फिर मैंने सोचा नहीं करूंगी, फिर मैंने सोचा एक बार करके थोड़ा सा क्लियर कर देती हूँ। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इस जो दूसरा ये ऐप है, वील कॉल इट टिकटॉक, ओके, बिकॉज आई एम गोइंग टू रिवील सम सीरियस थिंग्स। हो सकता है बाद में चल के मेरे ऊपर कुछ प्रॉब्लम आ जाए, इसलिए मैं इसको नाम ही नहीं लेना चाहती हूँ, मैं इसको टिकटॉक बोलूंगी, ठीक है? तो आप लोग समझ जाओ कि मैं किसके बारे में बातें कर रही हूँ। सो बेसिकली ये जो टिकटॉक वर्सेस कंटेंट, मतलब टिकटॉक वर्सेस यूट्यूब के ऊपर जो बवाल चल रहा है, तो काफ़ी सारे लोग इंस्टाग्राम पे मुझसे पूछ रहे थे कि आप वैसे वोकल हो, देन व्हाई यू आर नॉट पुटिंग अप योर पॉइंट्स एंड ये ऑन थॉट्स एंड ब्ला ब्ला ब्ला। मेरे को एक तो पहली बात, हम किस सिचुएशन में हैं अभी, ठीक है? एक खतरनाक पैंडमिक से हम गुजर रहे हैं, उसके अलावा भी अभी आपने जैसे बंगाल का सुना क्या चल रहा है वहाँ पर, देन जो हमारे लेबर्स हैं उनके साथ जो प्रॉब्लम्स हो रही है वो, उसके बाद जो ट्रेन हादसा हुआ था वो, फिर बस का प्रॉब्लम हुआ था वो, ये सब के बीच में जब ये वाली कॉन्ट्रोवर्सी मैं देखती हूँ ना, तो पता नहीं क्यों, ऑल्दो आई एम नॉट इन द सपोर्ट ऑफ टिकटॉक, सबको जो मेरे को जानते होंगे, जो इंस्टाग्राम पे फॉलो करते होंगे, उनको ये चीज़ पता होगा, बट स्टिल मुझे अभी ये वाला जो कंट्रोवर्सी चल रही है बहुत नेगेटिव लग रहा है, क्योंकि ऑलरेडी इतनी ज़्यादा नेगेटिविटी चल रही है। मेरा तो कुछ और ही वर्डिक था, मतलब मैं इस ये जो सब स्टार्ट हुआ है इसके एक डेढ़ महीने पहले ही आई गेस मैंने इससे रिलेटेड नहीं डाला था, बट मैंने इस टिकटॉक ऐप के ऊपर कुछ डाला था, मतलब चाइनीज ब्रांड्स ऐप्स के ऊपर मैंने कुछ चीज़ें डाली थी। बताऊंगी कि क्यों मैं इस से दूर हूँ, वो सब मैं अभी आपको इस वीडियो में विद प्रूफ दिखाने वाली हूँ, कुछ मेल्स वगैरह आपके सामने डिस्क्लोज करूंगी। नाउ सेकंड कमिंग टू दिस पॉइंट, एक जो बंदे के साथ जो कंट्रोवर्सी हुई है, जिसने वो एसिड फेंकने वाला चीज किया है एक लड़की के फेस पर, उस बंदे का इंस्टाग्राम प्रोफाइल जाकर के चेक किया, जिसमें उसने अपॉलोजी एक पोस्ट डाला हुआ था। मैं उसके नीचे कमेंट्स पढ़ रही थी, मतलब 100,000 के कुछ अराउंड कमेंट्स होंगे, और वो मैं कमेंट्स पढ़ रही थी, एंड उन कमेंट्स में मैंने जितने भी कमेंट्स देखे ना, सारे हेट कमेंट्स, गंदी गंदी गालियाँ और बहुत उटपटांग चीज़ें थी। कल उसने तो गलत काम किया, वो जो भी डाला उसने, पानी डाला, एसिड डाला, ड्रिंक डाला, जो भी डाला बहुत गलत है उसने किया, उसको उसकी सज़ा मिल गई, उसके ऊपर केस फाइल हो गया, उसका जो टिकटॉक का अकाउंट है आई थिंक वो डिलीट कर दिया। अब इसका एक और पता है इम्पैक्ट क्या हो सकता है, इतना लोग उसको ट्रोल कर रहे हैं, इतना लोग उसको गालियाँ दे रहे हैं, वो सिर्फ आई थिंक 18 से 24 साल के बीच का लड़का होगा वो, जहाँ तक मुझे लग रहा था। अगर कल को उसने सुसाइड कर लिया इस प्रेशर में आकर के, तो आप समझ रहे हो, मतलब हम लोग तो 2-3 महीने बाद ये चीज़ भूल जाएंगे, ठीक है? सब कोई भूल जाएगा, एक मैटर उठता है, 2-3 महीने चलता है, उसके बाद वो ख़त्म हो जाता है। लेकिन आप सोचो कि अगर उस बंदे ने इन सब बुली और ये सब जो उसके साथ में हो रहा है उसमें सुसाइड कर लिया, तो ये इतना हेट फैलाना इज़ नॉट गुड। हम लोगों को अभी रिसेंटली बॉयज़ लॉकर रूम का जो केस हुआ, उसमें एक बंदे ने सुसाइड कर लिया था, 15-16 साल का लड़का था वो, जिसने सुसाइड कर लिया था, और पता चला था बाद में कि वो तो और लड़की की वजह से उसने सुसाइड कर लिया था। आई थिंक बॉयज़ लॉकर रूम का भी आपको सिनेरियो पता होगा। तो एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है कि हमारी सोसाइटी में सोशल मीडिया से लोग कितना इन्फ्लुएंस होकर के गलत डिसीजंस ले रहे हैं। उस बंदे के इंस्टाग्राम पे जाकर के लोग उसको थ्रेट्स दे रहे थे, उनके घर में थ्रेट्स कॉल जा रही थी, उसको बहुत बुली करा जा रहा था, और एट दी एंड क्या हुआ, उस लड़के ने सुसाइड कर लिया। 15-16 साल का वो लड़का था, उसकी बहन ने एक बहुत बड़ा सा पोस्ट डाला था जिसको लिटरली पढ़ के मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे। उसकी कमिंग टू द थर्ड पॉइंट जो मुझे आपको बताना था, नाउ टिकटॉक वर्सेस यूट्यूब, इन दोनों का कोई कंपैरिजन ही नहीं है। मैं इसलिए नहीं बोल रही हूँ क्योंकि आई एम नॉट ऑन टिकटॉक, मैं टिकटॉक पे हूँ नहीं, या मैंने कभी वीडियो बनाने की कोशिश करी नहीं, या जो भी है, मैं यहाँ पर कुछ मेल्स के इमेजेस डालूंगी आपके पास बिकॉज ऑफ द प्राइवेसी। मैं यहाँ पर इनके जो नाम है और ईमेल आईडीज है वो हाइड कर दूंगी, डेट्स रहेंगी और पूरा वो मेल रहेगा, और मेल में भी कुछ चीजें मैं हाइड करूंगी डेफिनेटली। आपको यहाँ पर मैं मेल्स चिपकाऊंगी, वो देखिए आप, गया होगा जितने भी कंटेंट क्रिएटर्स यूट्यूब पे हैं, इन सबके पास ये मेल गया होगा। आज से 2 साल पहले, मतलब 2018 के टाइम पे मेरे पास ये मेल आए हैं, जनवरी से मेरे पास मेल आना स्टार्ट हुए हैं रिगार्डिंग दिस टिकटॉक कोलैबोरेशन। मुझे करना कुछ नहीं होगा, मुझे सिर्फ तब ये टिकटॉक नाम भी नहीं पड़ा था, इसके पहले दूसरा नाम था कि मुझे सिर्फ अपने जो डांस वीडियोज में उस टाइम काफी बनाती थी, डांस वीडियोज बनाती थी और सब करती थी, तो उन्होंने मुझे ये बोला था कि आपको कुछ नहीं करना होगा, सिर्फ उसको ही आपको 15 सेकंड के उसमें डालना है, थोड़े बहुत ट्रांजिशंस लगाने हैं और वीडियोज डालना है, आपके वीडियोज को वायरल हम करेंगे एंड मंथली मुझे पेमेंट मिलेगी। 2018 आई वॉज नॉट इवन अर्निंग मनी फ्रॉम यूट्यूब, मेरे पास यूट्यूब से उस टाइम इतना पैसा भी नहीं आ रहा था, तो अच्छा ऑफर था ना, मैं एक्सेप्ट कर सकती थी, बट मैंने नहीं किया।
क्यों नहीं किया उसका रीजन मैं आपको बाद में बताती हूँ. फिर उसके बाद 2018 में दो तीन बार आया, देन हम लोग जिसके जो मेरी फ्रेंड थी साथ वाली उसको भी आता था, ये मेल आता था एंड हम लोग डिस्कस करते थे अरे नहीं हम नहीं जाएंगे एंड ऑल दैट. तो वो मुझे बोलती थी कि अरे तुम तो डांस करती हो, तुम तो कर सकती हो इसमें, तुम तो ये सब कर सकती हो, तब भी मैं नहीं करती थी. 2019 तक मेरे जो YouTube के फॉलोवर्स है वो अच्छे खासे हो चुके थे. अगेन आई गॉट मेल एंड किसी दूसरी एजेंसी के थ्रू मेरे पास मेल आया था, नॉट एग्जैक्टली फ्रॉम दैट ब्रांड, एजेंसी के साथ मेल आया था. उन्होंने मुझे बोला आपके स्टार्टिंग के 10 वीडियोस मिलियंस में हम वायरल करेंगे, आपको 1 लाख फॉलोवर्स दिए जाएंगे. तो अब आप मुझे बताओ कि क्या कभी भी यूट्यूब अपना कोलैबोरेशन के लिए आपको मेल करेगा, किसी को भी मेल करेगा? इंस्टाग्राम पे अगर आपके बहुत बड़े फॉलोवर्स हैं, आप इंस्टाग्रामर हो, तो क्या यूट्यूब आपको मेल करेगा कि आप आइए हम आपको 1 लाख सब्सक्राइबर्स देते हैं और कर सकते हो? कर सकता है? नहीं कर सकता है. ठीक है, तो ये जो ऐप है इसका और इसका कंपैरिजन क्यों नहीं है, क्योंकि इस ऐप ने सारे सेलिब्रिटीज को अप्रोच किया है, सारे कंटेंट क्रिएटर्स को अप्रोच किया है. आप देखते होंगे काफ़ी सारे लोग जो सिर्फ 2 या 3 मंथ से आते हैं या इनका पुराना प्रोफाइल होता है, 10 वीडियो इनने बनाए हुए होते हैं और इनके 1 लाख फॉलोवर्स हो जाते हैं. कैसे कैसे हो जाते हैं मेरे को तो पता चल जाता है, मुझे तो बड़ी हंसी भी आती है. अरे हो गए, जब कोई डालता है ना कंप्लीटेड 1 लाख फॉलोअर्स ऑन टिकटॉक. हो सकता है कुछ लोग अपनी मेहनत से भी बनाते होंगे, मैं डिनाई नहीं कर रही हूँ इस चीज से, बट कोलैबोरेशंस इनकी चली है और मेरे साथ नहीं, मेरे साथ साथ 8 और लोगों के पास गई है. तो इससे मुझे पता चला था कि हाँ ये सबको भेज रहे हैं. बहुत अच्छा ऑफर आया था, मतलब मैं चाहती तो मैं एक्सेप्ट कर सकती थी, मुझे अच्छी खासी अर्निंग भी होती, एक फैन फॉलोइंग मिल जाती मुझे फ्री की और ये समझ आया. बट मेरे को कभी भी अंदर से मुझे मन ही नहीं हुआ इस पे आने का. अपार्ट फ्रॉम थिंग्स मुझे पता नहीं क्यों मेरा मन ही नहीं करता था इस प्लेटफॉर्म पे आने का. मेरे अंदर से कभी आवाज़ नहीं आई कि रुचि जा इस प्लेटफॉर्म पे काम कर, पता नहीं क्यों. मैं तो डांस करती थी, मैं डांस क्लास बनाती हूँ, मेरे लिए कोई बड़ी चीज़ नहीं है कि मैं 15 सेकंड का डांस का एक वीडियो बना दूँ. अगर मैं एक एक दो दो मिनट के डांस की वीडियो बनाती तो मैं 15 सेकंड का तो आराम से बना सकती हूँ. मैं एक डांस के वीडियो में 15-10 वीडियो कर सकती हूँ, उसमें कोई बड़ी चीज़ नहीं. और जो इंसान यूट्यूब कर रहा है उसका खेल है चिकचॉक बनाना. तो अभी जो आपने मेरा वीडियो देखा इस पर मैं अभी एडिटिंग कर रही हूँ और मुझे रियलाइज़ हुआ कि आई लिटरली मिस्ड बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक इस बात पे. तो आई थॉट कि ये डिस्कस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. और ये वाला जो वीडियो है जो मैं अभी एडिट कर रही हूँ, जो आप कल देखने वाले हो, मतलब आज के दिन जो आप मेरा वीडियो देख रहे हो, ये एटलीस्ट मैंने 10 से 12 दिन पहले शूट कर लिया था. मतलब ये इतना पुराना ब्लॉग है मेरा, बट मैंने एडिटिंग नहीं किया था क्योंकि लास्ट वीक मैं पूरा कंटेंट टाइप की चीज़ें डाल रही थी. फरवरी की बात है, मैंने अपने इंस्टाग्राम पोस्ट पे ये पोस्ट डाला था, चाइनीज ऐप्स हैं उनको मैं बंद कर रही हूँ, मतलब आई विल नॉट गोइंग टू कोलैबोरेट विद दोस ब्रांड्स, और साथ ही साथ मैं चाइनीज चीज़ें यूज़ करना कम करूँगी अपनी लाइफ से. इस तरह से मैंने काफ़ी सारे ऐप्स डाले थे. और मैं नाउ अभी 4 दिन पहले जो न्यूज़ आई है रिगार्डिंग लद्दाख और हमारा लद्दाख बॉर्डर पे जो कांड चल रहा है चाइनीज वालों का और इंडियन आर्मी का, सुना होगा आई थिंक बहुत सारे लोगों ने सुना होगा, क्योंकि मेरे पास जब वो मैंने डाला था ना तो मेरे पास बहुत ही अजीब क्वेश्चंस आए थे फ्रॉम सम इन्फ्लुएंसर्स जो कि मुझे बहुत शॉकिंग लगा था. सारे लोगों ने बोला था कि मैडम हमारे पास जो मोबाइल है वो चाइनीज है, वो हम फेंक दें क्या? हमारे पास जो इंडिया में अप्लायंसेज हैं, हमारे घर में जो अप्लायंसेज हैं वो चाइनीज है, क्या हम वो फेंक दें क्या? तो चलो ठीक है, एक नॉर्मल पर्सन मुझसे इस तरह के क्वेश्चन पूछ रहा है, हो सकता है वो डायरेक्शन में नहीं सोच पा रहे जिस डायरेक्शन में मैं सोच पा रही हूँ. तो मुझे वो ठीक है, चलो उनको मैंने आंसर किया बहुत अच्छे से स्वीटली कि भाई देखो ऐसा ऐसा है ये है. बट व्हेन इन्फ्लुएंसर्स आस्क मी कि स्टॉप बैशिंग ऑन टिकटॉकर्स, स्टॉप बैशिंग ऑन दिस, स्टॉप बैशिंग ऑन दैट, वो थोड़ा मुझे बहुत अजीब लगा था. बट लिटरली मैंने किसी से भी बहस नहीं करी थी. क्यों? क्योंकि मुझे पता था कि जो लोग भी टिकटॉक यूज़ करते हैं, जो एडिक्टेड है उससे, टिकटॉक इज़ लाइक अ वायरस, ठीक है, एक डिफरेंट टाइप का वायरस है. एक जोक पढ़ा था मैंने कि वी आर डीलिंग विद 3 पैंडमिक्स एट अ सेम टाइम. एक तो ये जो चल रहा है वो जो हमारा वायरस चल रहा है COVID-19, दूसरा ये टिकटॉक और तीसरा स्टूपिडिटी, ऐसा करके पोस्ट था एंड विच इज ट्रू. तो मुझे ऐसा लगता है कि ये देखो कुछ एक तरह के दो तरह के लोग होते हैं. एक वो होते हैं जो हल्का फुल्का देखने के लिए बनाते हैं कि भाई इसमें जो काफ़ी सारे कॉमेडी वीडियोज भी उसमें होते हैं ना, 15 सेकंड वाले मस्ती वाले, हस्बैंड वाइफ के साथ हो गए मस्ती जो बहुत हंसी आती है जिनको देख के. कुछ लोग वो सिर्फ टाइम पास देखने के लिए करते हैं, तो दे आर नॉट एडिक्टेड. वो उनका जब मन करेगा वो हटा देंगे, उनका जब मन करेगा वो नहीं देखेंगे. कुछ लोग हल्का फुल्का बनाने के लिए करते हैं, जो कि उस पोस्ट के बाद मेरे पास कुछ नहीं तो कम से कम 50 ऐसे मैसेजेस आए थे DM में कि वी डिलीटेड दिस ऐप. मुझे लिटरली इतनी खुशी हुई थी वो देखने के बाद कि चलो मेरे पोस्ट से अगर इतने लोग भी हटा रहे ना और दूसरे जो ये काम कर रहे हैं उन इन्फ्लुएंसर्स को अनफॉलो कर रहे हैं, मेरा काम हो चुका था. ठीक है, हाँ, तो मैं अपने बैक टू द टॉपिक पे आती हूँ. वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है बट प्लीज़ आप सुनो ध्यान से. तो ओके, तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि जो लोग भी ये सोचते हैं कि आप चाइनीज़ चीज़ों को बायकॉट करोगे, उसका मतलब ये होता है कि आपके घर में जो 90% चीज़ें आप उनको फेंक दो. मतलब
आई मीन कहाँ से सोच रहे हो, मेरा ये क्वेश्चन उन लोगों से कि आप कहाँ से सोच रहे हो ऐसा होता, मतलब मेरा मेरे को जब तक ये पैंडेमिक नहीं आया था, जब तक ये कांड नहीं हो रहा था, तब तक आई डोंट नो आप लोग न्यूज़ देखते हो कि नहीं देखते, आप स्टडी करते हो कि नहीं करते, आप थॉरोली न्यूज़ देखते हो कि नहीं देखते, कि सिर्फ ऊपर ऊपर हेडलाइंस देख लेते हो। मैं लिटरली जब से पैंडेमिक आया है ना, तब से मैं जब तक लास्ट आई थिंक पता नहीं कितने सालों से पैंडेमिक्स आए, उन सब के बारे में पढ़ चुकी हूँ, उन सब की हिस्ट्री पढ़ चुकी हूँ, वो कहाँ से ओरिजिन हुए, वो कैसे गए, कहाँ कहाँ आए थे, उन सब के बारे में डीपली डॉक्यूमेंट्रीज देख चुकी हूँ, पढ़ चुकी हूँ आर्टिकल्स। उसके बाद चाइना क्या करना चाह रहा है उनके ऊपर, जो भी बहुत सारे साइंटिस्ट ने एक पार्ट बोला था कि ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है, पॉसिबिलिटीज़ जो प्रोबेबिलिटीज़ होती है वो सब मैंने पढ़े रखे हैं, वो सब डॉक्यूमेंट्रीज देख रही हूँ, कंटिन्यूसली मैं सारी चीज़ें देख रही हूँ। हमारे इंडिया पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, मैं होगी। अब जो लोग क्वेश्चन करते हैं क्या हमारा 90% सामान फेक है, भाई आपके पास जो इलेक्ट्रॉनिक्स ऑलरेडी है, आई नो कि काफ़ी सारी चीज़ें मेड इन चाइना होती है, साइड हो गई कि हो गया, उसके बाद ये जो कपड़ों वपड़ों की ऐप वैप हो गई, सब क्या है, दे आर टोटली फ्रॉम चाइना, उनका 0 to 100 एवरीथिंग इज चाइना का। अब उसके बाद बात करते हैं, एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं, एप्पल के बारे में बात करती हूँ। इज दिस अ चाइनीज कंपनी? ये कैलिफोर्निया बेस्ड कंपनी है भाई, यूएस का कंपनी है, इसका सिर्फ 25% जो पार्ट्स है वो मैन्युफैक्चर होता है, असेंबल ये कहीं और होता है, बिकता ये कहीं और से है, तो आप इसको चाइनीज कंपनी तो बोल ही नहीं सकते हो 25%। और अभी थोड़े दिन पहले आई थिंक मैं ट्रंप का एक इंटरव्यू पढ़ रही थी, जिसमें उसने ये कमिट किया हुआ है कि वी आर प्लानिंग टू शिफ्ट एप्पल फ्रॉम चाइना, मतलब वहाँ से वो हटाने वाला है। देखो जितने भी मोबाइल के प्रोसेसर हैं वो सिर्फ चाइना ही बनाता है पूरे वर्ल्ड में, कि जितने भी मोबाइल के प्रोसेसर हैं, मैंने ऐसा पढ़ा, आई डोंट नो ये सही है कि नहीं है, मुझे नहीं पता ऑथराइज वेबसाइट थी कि वो नहीं थी, बट मैंने ऐसा पढ़ा था कि जितने भी प्रोसेसर हैं वो सारे चाइना में ही बनते हैं, ठीक है। अब बाकी कंट्रीज में भी हैं उसको बनाने की मशीन्स हैं, बट चाइना जो ऑफर करता है वो बहुत सस्ते दामों में और बहुत लार्ज क्वांटिटी में ऑफर करता है ये प्रोसेसर। तो सारी कंपनीज जो मोबाइल की कंपनीज है, एट द एंड आप चाहे इंडियन मोबाइल यूज़ करो, चाहे आप चाइनीज मोबाइल यूज़ करो, चाहे आप कोई सा मोबाइल यूज़ करो, उसका प्रोसेसर चाइना में ही बना है। बट पीपल आर टेकिंग स्टेप्स नाउ, अभी ये सब हो जाने के बाद जो भी सब देख रहे हैं, हरकतें देख रहे हैं, भाई चीज़ें चेंज हो रही हैं धीरे धीरे। जैसे जापान ने पूरी तरह से कट आउट कर दिया है चाइना को, यूके हैज ऑल्सो टेकन स्टेप, उसने एक स्ट्रिक्ट एक्शन लिया है, यूएस इज गोइंग टू टेक सम रियली स्ट्रिक्ट एक्शन, धीरे धीरे सारी कंट्रीज स्टेप्स ले रही हैं। अब मैं बताती हूँ, मैं जब ये सब हो रहा था ना, मैं अपने घर की सारी चीज़ें नोटिस कर रही थी कि कौन सी चीज़ मेड इन कम्प्लीटली चाइना है। मेरा टीवी जो है वो पैनासोनिक का है। मैं बताती हूँ कि बेसिकली नो ब्रांड नेम टीवीज आर एक्चुअली मेड इन चाइना, द सैमसंग आर नॉट इवन मेड इन कोरिया, सोनी सैमसंग एंड पैनासोनिक आर ऑल मेड इन मलेशिया एक्सेप्ट फॉर द टॉप ऑफ द रेंज पैनासोनिक्स विच आर मेड इन जापान, नॉट इन चाइना। उसके बाद मेरा जो फ्रिज है दैट इज ऑफ सैमसंग, सैमसंग रेफ्रिजरेटर्स हैं वो आर मेड इन, उनका कुछ पार्ट चाइना में बनता है, कुछ साउथ अफ्रीका में बनता है, जर्मनी में बनता है, हंगरी में बनता है, लग्जमबर्ग में बनता है, स्वीडन में बनता है, और बेसिकली जो हाउस होल्ड यूटिलाइजेशन आइटम्स है सैमसंग के, वो सारे साउथ कोरिया में बनते हैं, ठीक है, मेड इन साउथ कोरिया है। तो सैमसंग इज बेसिकली अ साउथ कोरियन मल्टी नेशनल ब्रांड, अगेन हमारा हो गया, चाइना का प्रोडक्ट नहीं है ये। हमारी जो वॉशिंग मशीन है अगेन सैमसंग की है, ऐसा नहीं है कि पूरा सब कुछ मेड इन चाइना ही है। तो अभी सारी कंट्रीज अपने अपने एक्शन ले रही है, तो हम भी धीरे धीरे करके स्टार्ट कर सकते हैं ना। मेरा यहाँ पर ये पॉइंट आता है कि जो हाउस होल्ड चीज़ें जो हम पहले से यूज़ करते आ रहे हैं राइट, उसको अब हम ये कोशिश करेंगे कि हम आगे भी चीज़ खरीदें, जैसे क्रोमा हो गया, टाटा ग्रुप का ब्रांड है, डेफिनेटली गो फॉर मेड इन इंडियन ब्रांड। या मैं तो बहुत ऊपर ऊपर चीज़ें बता रही हूँ, इतनी टेक्निकल चीज़ों में जा भी नहीं रही हूँ, एजुकेटेड और इन्फॉर्मेटिव वीडियोज बनाते हैं, उनकी मैं लिंक्स यहाँ पर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगी, इनके नाम यहाँ पर मेंशन करूंगी, कि आप लोग खुद जो लोग मेरा ये वीडियो देख रहे हैं, आई थिंक कॉलेज के अगर आप नहीं हो, मुझे ऐसा लगता है कॉलेज के बाद आप लोग में इतनी मैच्योरिटी सब में आ जाती है कि उनको क्या सही है क्या गलत है दिखने लगता है। मुझे जरूर कॉमेंट करके बताना कि आप लोग के क्या थॉट्स है जो आज हम लोगों ने डिस्कस किया है।